बहुत स्ट्रोंग हो, बहुत स्ट्रोंग हो, और मतलब नहीं हो, स्ट्रोंग नहीं हो। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा खुश रहूँ छोटी छोटी चीजों में लेके। हेलो जी, राम राम जी। और आज की वीडियो बहुत ही सैड है भाई। मैं भी बहुत सैड हूँ वीडियो देखने के बाद। आपने एक लड़की के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे स्नैफी गर्ल। ये स्क्रीन पे आपने फोटो भी दिख रहा होगा उसका। स्नैफी गर्ल के नाम से यूट्यूब पे चैनल है और उसके सब्सक्राइबर है 6 लाख, 6.5 लाख सब्सक्राइबर है उसके। और उसकी एक अच्छी यूट्यूब फैमिली थी और फैमिली बहुत अच्छी थी। उसकी शादी सूरज नाम के लड़के तक हुई थी। तो उनकी शादी होने के बाद 1 साल बाद उसको एक लड़की हुई, और वही लड़की हुई और फिर कोरोना चल गया। तो उसके पति की कोरोना में डेथ होगी, जो है स्नैफी गर्ल। बात इसकी है कि पति की डेथ होगी। बेचारों का हंसी खुशी परिवार था, व्लॉग डालते थे डेली। मैं भी उनके व्लॉग देखती, इतना मस्त था उसका पति, फैमिली सब कुछ अच्छा था। मतलब ससुराल वाले भी, मायके वाले भी बहुत अच्छे थे और उसको इतना सपोर्ट कर रखा था। उसके यूट्यूब फैमिली थी, मतलब तीन फैमिली थी, एक मायके वाली, एक ससुराल वाली और एक आप लोगों की यूट्यूब फैमिली, जो उसको इतना प्यार दे रही थी। उन दोनों की शादी हुई तो फिर कोरोना काल में सूरज की डेथ हो गई भाई। तो फिर डेथ के बाद बेचारी की, स्नैफी गर्ल के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बहुत स्ट्रोंग हो, बहुत स्ट्रोंग हो, और मतलब नहीं हो, स्ट्रोंग नहीं हो। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा खुश रहूँ छोटी छोटी चीजों में लेके, पर एक लिमिट तक नहीं हो पाता, कंट्रोल करती हूँ। और पता है, अभी करवा चौथ आ रही है, मेरी शादी को 4 साल हो गए। अब मेरी फर्स्ट करवा चौथ थी इंदौर में जब मैं सूरज जी के साथ थी, दूसरी जब आलू मेरे पेट में थी, तीसरी अब आई है। बुरा लगता है पर बोल देते स्ट्रांग हो, नहीं हूँ। मेरी एज 22 है। 20 डे इतना सब कुछ देखना और हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जिससे वो बहुत टूट गई, बहुत ही ज्यादा टूट गई। कुछ तो भगवान ने उसके साथ ऐसा कर दिया। कुछ फिर ये हैं कमेंट, बैड कमेंट करने वाले कि भाई इसके पति की डेथ होगी, ये वीडियो बनाओ। बेचारी ने बहुत सारा करा, बहुत अपने मतलब हिम्मत नहीं आ रही भाई। चल जो कुछ हो गया ठीक है, तेरी एक लड़की है। फिर भाई रिश्तेदारों ने और जो मतलब घर वाले हैं, फैमिली वाले, सब ने सोचा कि इतनी बड़ी जिंदगी भरी पड़ी है भाई, कैसे कटेगी। क्योंकि जब उसके पति की डेथ हुई वो 21 या 22 के बीच बीच की थी। तो भाई सबकी बात है, वो तो इतनी मतलब 21-22 के बीच में थी। के बिना रहना तो बहुत मुश्किल है। तो फिर परिवार वालों ने फैसला किया, उसका देवर था एक राजीव, मतलब उसका नाम राजीव भी था और मोनू भी था। तो परिवार वालों ने सोचा कि भाई इसकी दूसरी शादी कर दे राजीव के साथ। तो राजीव भी बोला जो परिवार और रिश्तेदार बोल देंगे ठीक है, वो मैं कर लूँगा। स्नैफी गर्ल अपने लिए बोलती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। उसने बहुत सोचा, सबके समझाने के बाद बहुत सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी काट लूँगी, मैं तो अपने देवर ने अपने भैया की तरह समझौती, बस मैं बस दूसरी शादी के बारे में नहीं सोच सकती। फिर उसको समझाया, कमेंट आए बहुत अच्छे अच्छे बैड तो आ ही रहे थे, अच्छे अच्छे कमेंट भी बहुत है, आप जैसे अच्छी फैमिली भी है। तो उसको बेचारी को बहुत हौसला मिला यूट्यूब की तरफ से भी कि दीदी आप अपने आप को तो संभाल लोगी, एक बच्ची भी तो है, एक बच्ची को भी तो अपने बाप की जरूरत है। वो जब बड़ी होगी पूछेगी मेरा पापा कौन है, तो आप क्या जवाब दोगी। तो फिर वही
स्नेफी गर्ल ने फैसला कर लिया जो ठीक है मैं दूसरी शादी कर लूंगी। तो भाई वो एक लड़की थी सूरज की, फिर उसने दूसरी शादी कर ली अपने देवर के साथ। ठीक है भाई, दुनिया ने समझाया तू चुप हो जा, बहुत रोती थी बेचारी, बहुत याद करती थी क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत अच्छा था। घर वालों के समझाने के बाद फिर उसने दूसरी शादी कर ली क्योंकि भाई सबके यही बात है, एक वाइफ तो अपनी जिंदगी काट भी ले पर एक बच्चा अपने बाप के लिए सारी उम्र रोता रहे। और उसकी तो लड़की 1 साल की थी जब उसके पापा की डेथ हो गई थी। तो वही फिर उसके दोबारा तो शादी होगी, अच्छा हो गया माहौल, घर का माहौल अच्छा हो गया। फिर लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि ये तो वीडियो बनावे, ये बनावे, ये तो व्यूज के ऊपर वीडियो बनावे, सैड वीडियो बनावे, नो बनावे। तो भाई कमेंट करने वाले तो कमेंट करके चले जावे, एक तो बेचारी के ऊपर दुखों का पहाड़ इतना टूट रहा बहुत ज्यादा, और दूसरा फिर कमेंट पढ़ने के बाद देखो कितना टूट होगा। हम लोगों ने बैड कमेंट बिल्कुल नहीं करने चाहते, अगर हम अच्छी कमेंट नहीं कर सकते, किसी को सहारा नहीं दे सकते, तो उस पर बैड कमेंट भी नहीं हमने करने चाहिए। तो आजकल यूट्यूब पे सब ही उसकी वीडियो बना रहे और डाल रहे कि स्नेफी गर्ल को हौसला दो, सब ही बना रहे। तो मैंने भी बस आज ही वीडियो देखी है, हादसे को तो मैंने पता नहीं कई दिन हो गए क्योंकि फ़ोन व्लॉग वगैरह देखो मैंने उसके कई दिन हो गए। तो बस आज मैं लेट रही थी, फ़ोन देख रही थी तो मेरे सामने भी आ जाए, फिर मैंने भी सोचा एक छोटी सी वीडियो बना दूँ ताकि बेचारी को कुछ हेल्प मिल जाए। और जो लोग हैं उसको, उसके चैनल का नाम है स्नेफी गर्ल, उसके चैनल पर जाएगा उसने सपोर्ट करो भी, सपोर्ट तो क्या पहले, चल पहले तो ये बोल दिया था कि भाई चल तेरा देवर है, इसके साथ तेरी शादी हो जाएगी, तेरे को एक पति मिल जाएगा, बच्ची को एक बाप मिल जाएगा, पर ये बेचारी को उसको क्या हौसला दे, दो लड़की लड़की है। ये तो परमात्मा की मर्जी है भाई, देखो टाइम पास करना पड़ा है, क्या करें। फिर भी बेचारी के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है और लोगों को अपने बैड कमेंट करने की पड़ी हुई है। व्यूज का चक्कर है भाई, कोई ऐसी स्थिति में व्यूज का कोई चक्कर नहीं होता, इस टाइम पे पैसे का भी व्यूज का कोई लालच नहीं होता। जब अपनी जिंदगी उजड़ जाए ना तो ऐसे पैसे का भी क्या करना। बस यू है, ये तो हम लोग हेल्प करते हैं उस टाइम, मतलब कमेंट अच्छी कमेंट करते हैं, हौसला मिल जाए कि यूट्यूब फैमिली तेरे साथ है और तो कुछ होने वाला नहीं है। तो भाई आप सब रिक्वेस्ट है, बार बार ये रिक्वेस्ट है मेरी इस वीडियो में, अगर हम उसको मतलब अच्छे कमेंट नहीं कर सकते तो बुरे कमेंट भी नहीं करने चाहते। हर एक बात हमने अपने पर लेकर चलनी चाहिए, अगर मेरे साथ या आपकी बहन के साथ या आपकी भाभी के साथ या किसी के भी साथ ऐसा हो तो फिर क्या होगा। और अगर फिर भी गलत कमेंट करें तो सोच कर देखो भाई, हर एक बात स्नेफी गर्ल पर नहीं, हर एक बात किसी पर दुखों का पार्ट टूट रहा है उस पर नहीं, हर एक बात हमने अपने पर लेकर चलनी चाहिए। तो बस भाई मैंने भी जब वीडियो देखी मेरा भी मूड ऑफ हो गया एकदम देख के वीडियो, क्योंकि भाई हर एक बात अपने पे लेनी चाहिए। देख के वीडियो बहुत वो हो गया, फिर मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ जिससे उसकी हेल्प हो जाए। जो भाई मेरे सब्सक्राइबर हैं, स्नेफी गर्ल का चैनल है, उसके चैनल अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसकी फैमिली बहुत बड़ी हो जाए, प्यार देने वाले बहुत बड़े हो जाए, टाइम पास तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बस अब तो टाइम पास है भी, लड़कियों को भी रखना, ससुराल वालों को भी, सास को भी सहारा देना, ससुर को भी सहारा देना, जा तो बेचारी वो कहीं सकती नहीं। तो भाई आप सभी तो यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हौसला दो स्नेफी गर्ल को, फिर कोई नई न्यूज आएगी तो उसके बारे में नई अपडेट हम दे देंगे कि स्नेफी गर्ल के साथ क्या कुछ चल रहा है। पहले जल्दी से आप ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके।